रीइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में लिस ईफा से कहती है, तुमने अभी तक नोटिस तो कर ही लिया होगा ना कि सेका एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर ईफा कहती है, तुम आखिरकार क्या कहना चाहती हो? जिस पर लिस कहती है कि तुमने खुद ही देखा होगा, एलिमेंट उसके पास नहीं आती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कोई भी माना नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे एलिमेंट उसको अवॉइड करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से एलिमेंट डीमन को अवॉइड करते हैं। तो ईफा कहती है, हाँ वो थोड़ा अलग है लेकिन वो एक इंसान है। जिस पर लिस उसे कहती है, तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो एक ह्यूमन है? तो ईफा कहती है, क्योंकि मैं सेका के साथ उसके घर में बड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं सेका को बचपन से जानती हूँ। तो लिस कहती है, क्या तुम उसके पेरेंट्स को अच्छे से जानती हो? जिस पर ईफा कहती है, उसके डैड को तो जानती हूँ लेकिन उसकी मॉम को नहीं। ये सुनकर लिस कहती है, क्या पता सेका की मॉम एक डीमन है? तो ईफा कहती है, वो मुझे नहीं पता लेकिन सेका एक इंसान है। जिस पर लिस उसे कहती है, तुम बस बिलीव नहीं करना चाहती हो, वो काफी डेंजरस है, उससे दूर हो जाओ। लेकिन अभी के लिए क्यों ना तुम प्रिंस के हैरम को एक बार देख लो। और अगले सीन में हम लोग सेका को देखते हैं जो कि जाइंट सेंटरपीड से उतरकर ड्रैगन के नेस्ट के पास पहुंच जाता है। वो ड्रैगन जैसे ही सेका को देखता है वो फायर से हमला कर देता है, लेकिन सेका बैरियर लगाकर बच जाता है। इसलिए अब ड्रैगन सेका के ऊपर डायरेक्ट हमला करने आ जाता है। वहीं सेका भी उससे बचने के लिए टेलीपोर्ट करके पीछे आ जाता है। और अब सेका एक डीमन को समन करके उस ड्रैगन के पास भेज देता है। वो डीमन ड्रैगन के पास जाकर काफी जोर से चिल्लाता है, तभी वो ड्रैगन अपना सर हिलाकर उस डीमन को नीचे भेज देता है। वो डीमन जमीन से टकराता हुआ वापस चला जाता है। और अब सेका उस ड्रैगन के ऊपर फायर प्रूफ नेट जुत्सू का यूज करता है, और अब एक काफी बड़ा नेट आकर उस ड्रैगन को पकड़ लेता है, जिसके सेका ड्रैगन के नेस्ट के पास जाने लगता है। तभी यूकी बाहर आ जाती है और सेका से कहती है, ये क्या है? तो सेका बताता है कि ये ड्रैगन का एग है। ये सुनकर यूकी कहती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मेल ड्रैगन है, क्या इसका मतलब फीमेल ड्रैगन भी यही कहीं है? तो सेका कहते हैं, नहीं, ये ड्रैगन मेल से फीमेल में चेंज हो गया। काफी फिश भी एनवायरमेंट में ढलने के लिए अपने जेंडर को चेंज कर लेती है। इस ड्रैगन ने भी यही किया होगा जब इसकी पार्टनर मर गई। और अब सेका सोचता है इस अंडे का क्या करना है। तभी सेका उस एग को रोटेट करने लगता है और कहता है कि कभी कभी एग को इस तरीके से रोटेट करना चाहिए। और अब दूसरी तरफ हम लोग लिस को देखते हैं जो कि ईफा को प्रिंस का हरम दिखा रही होती है। वो बताती है कि एकेडमी की तरह यहाँ पर भी इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं, यहाँ से लड़कियों की तैयारी भी हो जाती है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। यहाँ पर ज्यादातर प्रिंसेस और क्वीन ही आती है, और प्रिंस भी तुमसे प्यार करने लगे हैं, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? और अब वो कहती है, प्रिंस की मॉम भी एक ग्रेट क्वीन है जो कि काफी इंटेलिजेंट है और सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। प्रिंस को इस बारे में चिंता है कि क्या वो अपनी मॉम की तरह बन पाएगा, इसलिए वो जल्द से जल्द ड्रैगन के बारे में कुछ करना चाहते हैं और अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहे हैं। वो काफी अच्छे पर्सन है, वो जब से छोटे थे मैं तब से उन्हें जानती हूँ, तो क्या तुम उनके साथ रहकर उन्हें सपोर्ट करोगी? ये सुनकर ईफा सोच में पड़ जाती है, जिसके साथ हम लोग सेका को देखते हैं जो कि अपने फायर मैजिक से अंडे को गर्म रख रहा है। वहीं यूकी कहती है, आखिर इस ड्रैगन की हिम्मत कैसे हुई वो सेका से अंडे का ख्याल रखवा रहा है। तो सेका कहते हैं कि अब हमें घर जाना चाहिए और सभी को बताना चाहिए कि ये ड्रैगन खतरनाक नहीं है। और अब सेका वहां से जा रहा होता है, लेकिन वो ड्रैगन सेका को अपनी पूंछ से पकड़कर अपने पास ही बिठा लेता है। ये देखकर सेका कहता है, लगता है ये ड्रैगन हमें जल्दी यहां से नहीं जाने देगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं लिस ईफा को प्रिंस के पास ले आती है। प्रिंस उन्हें देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। और वो गुड़ से कहते हैं, ये है वो। तो अब गुड़ ईफा को देखकर कहने लगता है कि ये खूबसूरत तो है, इसे पढ़ाई भी आती है और मैजिक भी आता है, इसका इतना प्राइस मिल सकता है? और अब प्रिंस कर्टिस से कहते हैं, इतना प्राइस एक्सेप्ट करोगे? तो कर्टिस कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें 5% टैक्स देना होगा। ये सुनकर प्रिंस कहते हैं, कोई बात नहीं। और अब प्रिंस काफी सारे पैसों को टेबल पर रख देता है। ये देखकर ईफा उसे पूछती है, ये क्या हो रहा है? तो प्रिंस कहते हैं कि अब से तुम फ्री हो, ये गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए था लेकिन मैंने पैसे देकर तुम्हें फ्री करा दिया। तो ईफा उसे कहती है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हें पहले सेका से पूछना होगा। तो प्रिंस कहते हैं कि वो मना नहीं करेगा, मैं उसे काफी ज्यादा पैसे दे दूंगा, अगर वो फिर भी मना करेगा तो मैं उसे जबरदस्ती करके तुम्हें खरीद लूंगा। लिस ने मुझे बता दिया सेका तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो ईफा उसे कहती है, मैं फ्री नहीं होना चाहती हूँ, मैं खुद से डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। तभी कर्टिस प्रिंस से कहते हैं, सारा काम हो गया है, बस हमें ईफा की सिग्नेचर की जरूरत है। अभी तो ये नखरी कर रही है लेकिन बाद में से पता लग जाएगा कि इसके लिए बेस्ट है। ये सुनकर प्रिंस गार्ड को ऑर्डर दे देता है ईफा को पकड़ने के लिए। तो अब ईफा भी उनसे लड़ने के लिए अपनी पावर का यूज करने वाली होती है, लेकिन तभी लिस वहां पर एक बैरियर लगा देती है, जिसके बाद उसके अंगूठे के ऊपर हमला करके उसके अंगूठे से हल्का सा खून निकाल देती है। और अब लिस उस खून से पेपर पर ईफा से जबरदस्ती साइन कराने लगती है। वहीं पर ईफा रोते हैं सेका को याद करती है। तभी अचानक से वो ड्रैगन आकर लिस के बैरियर को तोड़ देता है, और अब पता लगता है कि उसके ऊपर तो सेका बैठा होता है। सेका कहने लगता है, मैंने इस ड्रैगन से दोस्ती कर ली। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सेका को देखकर ईफा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और सेका कहता है, मुझे एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो कि फायर मैजिक का यूज करके अंडे को गर्म रख सकता है। और अब वो ईफा से कहता है, ओ हाँ तुम ये कर सकते हो, मेरे साथ चलो। ये सुनकर ईफा सेका के पास जाने लगती है। तो लिस ईफा को रुकने के लिए कहती है। तो ईफा रुकती है और कहती है कि मैं सेका के साथ जा रही हूँ क्योंकि आखिरकार मैं उसे प्यार जो करती हूँ। और अब ईफा प्रिंस के सामने सामने सेका के पास चली जाती है, और अब वो ड्रैगन उन्हें उड़ाकर ले जाता है। तभी ईफा सेका से कहती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तो सेका कहते हैं, कोई बात नहीं, बस कस के पकड़ना, नीचे मत गिर जाना। जिसके बाद वो ड्रैगन उन्हें नेस्ट के पास ले आता है। वहीं सेका ईफा को अंडे के बारे में बताता है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं लावा टाइगर वहां पर आके उनके ऊपर हमला कर देता है। तो सेका जल्दी से अपनी पावर से उसे रोक लेता है। तो पता लगता है कि उसे तो जैक ने भेजा है जो कि अपने बाकी टीममेट्स के साथ वहां पर आ जाता है। तो सेका जैक से कहता है, तुम्हें शुरू से ये अंडा चाहिए था ना? तो जैक कहता है, हाँ अंडा मिलने के बाद मैं यहाँ से दूर जाने वाला था। और वो प्रिंस कितना बेवकूफ है, उसने मेरी सारी
सारी झूठी बात मान ली और अब जब तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो लावा टाइगर को ऑर्डर दे देता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। वो टाइगर उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से एक पानी का फुहारा चलता है जिसकी वजह से वो टाइगर उड़ता हुआ पीछे गिर जाता है और पता लगता है कि वो अटैक तो ईफा ने किया था। वहीं सेका ईफा को देखकर काफी हैरान लगता है। तभी जैक लावा टाइगर को और बाकी लोगों को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है और वो लोग भी हमला करने आ जाते हैं। तो सेका एक पावरफुल जुत्सु का यूज करके उस लावा टाइगर के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और अब सेका कहते हैं मैंने कही थी ना मैं इसे पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। और अब जैक डर जाता है। वो सेका से कहते हैं तुम कौन हो? तो सेका कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर हूँ। ये सुनकर जैक कहता है क्या तुम पागल हो? ऐसा बोलने के बाद वो वापस से सेका के ऊपर हमला करने आ रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है जो कि जैक की तरफ देखने लगता है। और अब ड्रैगन को देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन सेका वाइन जूस का यूज करके उन्हें वहीं पर रोक लेता है। ये देखकर जैक को गुस्सा आ जाता है। वो सेका से कहता है तुम मुझसे पंगा ले रहे हो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से जैक की स्पेल बुक जलने लगती है और पता लगता है कि ये तो ईफा ने किया है। ये देखकर सेका ईफा की तारीफ करता है और उसे कहता है तुमने वाटर मैजिक भी सीख लिया शाबाश। ये सुनकर ईफा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं सेका सारी बात प्रिंस को बताता है। प्रिंस को जैसे पता लगता है कि जैक उसे धोखा दे रहा था वो अपने गार्ड को ऑर्डर दे देता है जैक और उसके लोगों को जेल में बंद करने का। और अब गार्ड भी उन लोगों को लेकर चले जाते हैं। और अब प्रिंस सेका से पूछता है तुम्हें वहां पर क्या पता चला? तो सेका बताता है कि उस ड्रैगन ने अंडा दिया था इस वजह से वो अजीब बिहेव कर रहा था। ड्रैगन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं उसके अंडे का ख्याल रख रहा था। और रिजल्ट ये है कि जो क्वीन की कहानी थी कि अंडे में से ड्रैगन निकला था वो सच है। ड्रैगन के लिए इंसान उसके लिए पेरेंट्स जैसे हैं इसलिए वो इतने समय से यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ड्रैगन की हेल्प करो उसके अंडे को हैच कराने के लिए जिससे कि वो वापस से इस जगह को प्रोटेक्ट करने लगेगा। ये सुनकर प्रिंस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ लोग नहीं मानेंगे इसलिए मैं चाहता हूँ सेका तुम उस ड्रैगन को मार दो जब तुम उसके नेस्ट में जाओ तो उसे पॉइजन दे देना। तो सेका उसे कहता है तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? तो प्रिंस कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ का प्रिंस हूँ मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं अगला किंग नहीं बन पाऊंगा इसलिए जल्दी उस ड्रैगन को मार दो। तो सेका उसे कहते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा। ये सुनकर प्रिंस अपने गार्ड को सेका को पकड़ने के लिए कहता है और वो सेका से कहता है तुम पर शक है तुमने मैजिक का यूज करके ड्रैगन को अपने कंट्रोल में किया है इसे तुम्हें बंदी बनाया जाता है। ये सुनकर सेका सोचता है चुप रहने में ही भलाई है। जिसके बाद प्रिंस ईफा के पास जाकर कहता है अब तुम फ्री हो अब तुम्हें सेका के ऑर्डर मानने की भी कोई जरूरत नहीं है तुम अब से यहाँ की सिटीजन हो। ये सुनकर सेका सोचता है ये पागल हो गया क्या? जिसके बाद प्रिंस ईफा से कहता है मेरे साथ रहो। तभी सेका आके उसके हाथ को हटाता है और कहता है बहुत हो गया मैं इतनी देर से शांत था कि हमारी कंट्री के बीच में लड़ाई ना हो लेकिन तुम्हें तो बस ईफा चाहिए तुम खुद का काम दूसरों से कराते हो तुम्हें बस लड़कियां ही चाहिए तुम छोटे बच्चे हो क्या? ये सुनकर प्रिंस कहता है मैं छोटा बच्चा। और अब सेका उसे कहता है मैं कभी भी ईफा को तुम जैसे के पास नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर सभी लोग काफी शांत हो जाते हैं और सेका सोचता है क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। तभी हम लोग देखते हैं लिस हंसने लगती है और वो सामने आके कहती है चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं। वो ईफा से आकर कहती है तुम क्या फील करती हो? और अब ईफा प्रिंस से कहती है मैं आपके हरम में नहीं आना चाहती हूँ मैं अब सेका के साथ वापस एकेडमी में जा रही हूँ। ये सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब लिस भी सेका से माफी मांगती है और उसका शुक्रिया करती है उनकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद वो ईफा से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं वो एक अलग रूम में आ जाते हैं। लिस ईफा से कहती है तुम सही में उसे प्यार करती हो? ये सुनकर ईफा शर्मा जाती है और कहती है हाँ। तो लिस कहती है ठीक है अपना हाथ आगे करो। तो ईफा अपना हाथ आगे करती है तो लिस उसे अपनी कुछ स्पिरिट दे देती है जो कि लाइट स्पिरिट है और ये काफी रेयर है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ये स्पिरिट ईफा की चोट को हील कर देती है। और अब लिस ईफा से कहती है जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे कहानियों वाली एल्फ प्रिंसेस की याद आ जाती है जो कि हीरो की पार्टी में थी लेकिन फिर भी उसे डीमन किंग पर दया आ गई थी। और अब मैं दुआ करती हूँ कि सेका तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेका और ईफा अब घर जा रहे हैं। सेका ईफा से कहते हैं मुझे पता नहीं था कि तुम एल्फ के डिसेंडेंट हो इसलिए तुम स्पिरिट मैजिक यूज कर पाती हो। तो ईफा कहती है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। और अब सेका कहने लगता है कि वो प्रिंस कितना बेवकूफ था अच्छा हुआ तुमने उस प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया। और अब सेका ईफा से पूछता है वैसे तुम्हें कैसे लड़का चाहिए शादी करने के लिए? तो ईफा कहती है वो लड़का मुझसे थोड़ा स्मार्ट हो स्ट्रॉन्ग हो और काइंड हो। वो यहाँ पर सेका की बात करी होती है। वही सेका उसे कहता है इतनी सारी क्वालिटी वाला लड़का तो तुम्हें काफी मुश्किल से मिलेगा। जिस पर ईफा कहती है कि इतना मुश्किल भी नहीं है। और अब अगले सीन में लोग जंगल में एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी आंखों की पावर का यूज कर रहा होता है। वहीं हम लोग एक डीमन को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों को हरा देता है। उस डीमन का नाम होता है मोडरेव। जिसके बाद हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी आंख की पावर का यूज करके कुछ डीमन को पत्थर का बना देती है। उस लड़की का नाम होता है फिर लेरिया। जिसके बाद हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रोनी। वहीं पर एक और डीमन फायर मैजिक का यूज करके अपने अपोनेंट को हरा देता है और डीमन का नाम होता है गल गैनिस। वहीं हमें पता लगता है कि पहले वाला बंदा इन सभी का कैप्टन है। और वो चारों एक बंदे के सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो बंदा कहता है आखिरकार तुम लोग हो कौन? तुमने मेरे मॉन्स्टर ट्रैप को इतना इजीली कैसे हरा दिया? जिस पर कैप्टन उसे कहता है मैंने कहा था ना कि तुम हमें सही रास्ता दिखाओ। तो वो बंदा कहता है तुमने मेरे विलेज के सारे लोगों को मार दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा डीमन आ जाता है। उसे देखकर वो बंदा कहते हैं आखिरकार मैंने इसे समन कर ही दिया। वहीं पर हम लोग देखते हैं कैप्टन अपनी आग का उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज करता है तो उसे पता लगता है कि इस मॉन्स्टर का नाम तो एल्डर साइक्लोब है।
पर वो साइक्लोप कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैप्टन अपनी तलवार निकालकर उसी के वेपन को ही तोड़ देता है, जिसके बाद कैप्टन उसके ऊपर हमला करके साइक्लोप के सर को ही काट देता है। ये देखकर उसके टीममेट उसकी तारीफ करते हैं। वही गाल कहते हैं कैप्टन के आगे सब कुछ देख सकती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग उस बंदे के पास आकर उसे खा लेते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कैप्टन अलग जगह पर खड़ा होता है। वो कहते हैं आज भले ही एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मैं हीरो को मारने का काम जरूर करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपनी खुद की जान देनी पड़े। और अब दूसरी तरह हम लोग सेका को देखते हैं, जिसको अजीब फील होने लगता है, लेकिन वो इस फीलिंग को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।